नमस्कार आज हम एन द्वारा निर्धारित कक्षा बारह की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ चार रासायनिक बल गति अध्ययन करेंगे इस पाठ के प्रथम भाग में हमने चर्चा की थी अभिक्रिया के औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग के बारे में तथा हमने जाना कि किसी अभिक्रिया की कोटि तथा उसकी आणविकता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण अवकलित वेग समीकरण तथा उनके अर्दायु काल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं आइए हमारी चर्चा प्रारंभ करें समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण किस प्रकार से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं आज हमारी चर्चा इस बात से प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है अर्थात अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है अतः ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो रही है हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है इसके लिए अवकलित वेग समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या होगा माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू किसके होगा के आर टू दी पावर जीरो यहाँ हमने आर की पावर जीरो की है क्यों क्योंकि अभिक्रिया हमारी शून्य कोटि की है जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी भी मात्रा पर शून्य घातांक हो तो उसका मान हमेशा एक होता है अतः इस समीकरण को हम पुनः इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं क्या होगा डी आर किसके बराबर होगा माइनस के इन डी टी इस समीकरण का हम दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो पाते हैं कि हमारे पास समीकरण इस प्रकार से आती है आर किसके बराबर होगा माइनस के टी प्लस आई के, यहां आई एक समाकलन है ये हमारी समीकरण संख्या एक तैयार हो गई है अब हम आई के मान की गणना करेंगे जिसे समाकलन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है माना कि t टू जीरो पर अर्थात अभी अभी हमारी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है उस समय पर अभिकारक की सांद्रता आर जीरो है यह सभी मान जब हम समीकरण एक में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है आर जीरो किसके बराबर होता है आई के अर्थात हमने आई का मान प्राप्त कर लिया अब इस आई के मान को समीकरण एक में रख देते हैं आई का मान समीकरण एक में रख देने पर हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाती है जिसमें आर इक्वल्स टू क्या है माइनस के टी प्लस आर जीरो इस समीकरण को व्यवस्थित करके इस प्रकार से लिखा जा सकता है के किसके बराबर होगा आर जीरो माइनस आर भाग टी अर्थात प्रारंभिक सांद्रता माइनस किसी समय टी पर सांद्रता तथा इसे हम समय से विभाजित कर रहे हैं टी से सो के इक्वल्स टू क्या हो गया आर जीरो माइनस आर डिवाइडेड बाय टी इसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं इसे हम इस प्रकार से लिखें आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो यह समीकरण एक सरल रेखा का समीकरण है जिसकी सहायता से हम एक ग्राफ बना सकते हैं यह समीकरण कौन सा है हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वह ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है इस ग्राफ की जो ढाल है वह ऋणात्मक है ऋणात्मक ढाल क्यों प्राप्त हुई है हमें क्योंकि हमारी इस समीकरण में माइनस के है इसलिए ग्राफ का ढाल ऋणात्मक होता है ग्राफ किसके बीच में हमने बनाया है समय तथा आर की सांद्रता अर्थात क्रियाकारक की सांद्रता। जब समय जीरो होता है उस समय क्रियाकारक की सांद्रता सर्वाधिक होती है जो यहाँ इस ग्राफ के माध्यम से इंगित की गई है अर्ध आयु काल जिसे टी हाफ से दर्शाया जाता है अर्ध आयु काल का क्या अर्थ होता है अर्ध आयु काल का रासायनिक अभिक्रियाओं में अर्थ यह है कि वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं माना कि किसी समय पर उसकी सांद्रता 100 है यदि एक घंटे बाद में उसकी सांद्रता 50 हो जाती है तो एक घंटे वाले समय को हम उसका अर्द आयुकाल कहते हैं कि एक घंटे में यह अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है अगले एक घंटे में पचास से उसकी मात्रा पच्चीस रह जाएगी तथा तो अगले एक घंटे में उसकी मात्रा पच्चीस से बारह पॉइंट पाँच रह जाएगी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने अभी वेग समीकरण निकाल के देखा था उसके लिए वेग स्थिरांक हमारे पास क्या था के इक्वल्स टू आर जीरो माइनस आर डिवाइडेड बाय टी जब समय हमारा कैसा हो टी हाफ टी इक्वल्स टू क्या हो टी हाफ हम अर्धायु काल की गणना कर रहे हैं अर्थात उस समय पर हमारे अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी प्रारंभिक सांद्रता की आधी यानी आर का मान कितना होगा आर जीरो बाय टू इस स्थिति में हमारे पास वेग स्थान क्या बनेगा के इक्वल टू आर जीरो माइनस हाफ आर जीरो डिवाइडेड बाय टी हाफ और t हाफ किसके इक्वल होगा आर जीरो डिवाइडेड बाय टू के यहाँ इस समीकरण को ध्यान से देखिए हमें प्राप्त होता है कि हमारा अर्ध आयु काल किसके समानुपाती है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है अर्थात शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ असामान्य होती हैं किंतु ये विशेष परिस्थितियों में ही घटित होती हैं जैसे कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएँ तथा धातुओं की सतह पर होने वाली अभिक्रियाएँ शून्य कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे हमारे अमोनिया का विघटन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी उपस्थिति में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब यह विक्रिया हो रही है वह शून्य कोटि की है क्यों है क्योंकि उत्प्रेरक की सतह पर अमोनिया की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है अर्थात अगर समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन न हो तो विक्रिया कौन सी कोटि की हो गई वह शून्य कोटि की इसलिए इसके वेग समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या आएगा कि एन एस थ्री का पावर हमें कितना करना है जीरो जिसकी भी घात जीरो होती है उसका मान एक होता है अतः इसका वेग किसके बराबर होगा वेग स्थान के बराबर होता है अभी हमने चर्चा की कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए अवकलित वेग समीकरण की सहायता से समाकलित वेग समीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है तथा हमने उसके लिए वेग स्थिरांक की गणना करी ग्राफ बना करके देखा जिस ग्राफ का ढाल हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ साथ ही साथ हमने अर्ध आयु काल की भी गणना करी तथा ये जाना कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए उस अभिकारक का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है अब हम प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अवकलित वेग समीकरण समाकलित वेग समीकरण तथा अर्धायुकाल की गणना करना प्रारंभ करेंगे आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं अर्थात हम अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में सिर्फ एक ही अभिकारक की सान्द्रता में परिवर्तन होता है उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं माना कि कोई एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास इस प्रकार से संपन्न हो रही है कि आर पी में परिवर्तित हो रहा है इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या होगा माइनस डी आर बाई डी टी किस के, के आर की घात कितनी करनी है हमें वन करनी है क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जब हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पर एक लिखा गया है इस समीकरण को संतुलित इस प्रकार कर सकते हैं माइनस के निशान को हम लोग हमारे बाईं ओर से दाईं ओर ले गए हैं समीकरण क्या बन गया हमारा डी आर बाई क्या करते हैं जब इस समीकरण का समाकलन किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है एल एन आर एल एन को हम कहते हैं नेचुरल लॉग प्राकृतिक लघुगुणक ln एल एन आर किसके बराबर होगा माइनस के टी प्लस आई के बराबर होगा ये हमारा समीकरण संख्या एक है जहाँ पर आई क्या है आई समाकलन स्थिरांक है अब हम इस समाकलन स्थिरांक के मान की गणना ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में की थी माना कि t इक्वस टू जीरो है जब हमारी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है उस समय अभिकारक की सांद्रता आर जीरो है यह मान समीकरण एक में रखते हैं तो हमें आई का मान प्राप्त हो जाता है वो किसके बराबर होता है एल एन तो आर जीरो के अब आई का यह मान समीकरण एक में पुनर्स्थापित कर दिया जाता है आई का मान समीकरण एक में लिखने पर हमें समीकरण इस तरह तो से प्राप्त हो जाती है एल एन आर किसके बराबर होगा माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो के इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करते हैं तथा समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है यहाँ पर हमने लघु गुण की प्रकृति का उपयोग किया है क्या किया हम लोगों ने एल एन आर था हमारे बाई तरफ हम लोग एल एन आर जीरो को भी बाई तरफ ले गए जब लॉग में से लॉग को माइनस किया जाता है तो उन्हें हम भाग के रूप में लिख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या हो गया हमारे पास में समीकरण एल एन आर डिवाइड बाय आर जीरो किसके बराबर आ गया -kt अब हमारे पास में क्या होगा हमने क्या किया है k का मान निकाला है k किसके बराबर आएगा 1/t ln r0/r अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा सर माइनस का निशान कहाँ चला गया हमने क्या किया इस माइनस के निशान को दाईं ओर से बाईं ओर ले गए तथा इस क्रम में हमने log के मान को भी परिवर्तित किया क्योंकि लोग अभी हमारा माइनस से गुणा हो गया इस वजह से हमने आर जीरो को ऊपर लिख दिया है तथा आर को नीचे ले आए हैं जब प्राकृतिक लघुगणक को हम लॉग आधार दस पर लिखते हैं तो उसे दो पॉइंट तीन जीरो तीन से गुणा करके लिखा जाता है अब हमारा समीकरण इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा कि किसके बराबर होगा दो पॉइंट तीन जीरो तीन किसके भाग में डिवाइडेड बाय टी लॉग आर जीरो बाय आर इसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है यह हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण है अभी हम इस समीकरण के दोनों ओर प्रति लघुगणक ले रहे हैं अर्थात एंटीलॉग ले रहे हैं एंटीलॉग लेने पर हमें समीकरण इस रूप में प्राप्त हो जाता है अतः हम शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं भिन्न भिन्न रूप में उन्हें दर्शाया जा सकता है यह समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने अभी प्राप्त की थी एल एन आर किसके बराबर होता है माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो के जब हम इस समीकरण की तुलना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से करते हैं हम पाते हैं कि यह हमारी एक सीधी रेखा की समीकरण है हम यहाँ पर एक ग्राफ इनके मध्य में बना सकते हैं किसके मध्य में बनेगा एल एन आर तथा टी के मध्य में जहाँ पर इस ग्राफ का ढाल माइनस के के बराबर होता है इस ग्राफ का ढाल भी ऋणात्मक होगा क्योंकि हमारे पास के का मान नेगेटिव है यह भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का एक रूप है इस वेग समीकरण को हम इस प्रकार से रूपांतरित करके दर्शा सकते हैं और यह पाते हैं कि यह भी एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा का समीकरण है इसकी सहायता से भी हम एक ग्राफ बना सकते हैं किसके मध्य में लॉग आर जीरो तथा आर के बीच तथा समय टी के मध्य में इस ग्राफ का जो ढाल है वो किसके बराबर होगा के डिवाइडेड बाय टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना किस प्रकार से हम कर सकते हैं जैसे कि आपको बताया गया है कि अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं ये हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है माना कि जब हमारे पास समय कितना है टी हाफ टी हाफ समय पर क्या है आर का मान कितना होगा आर टू। इन दोनों को हम इस समीकरण में स्थापित करें हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगी समीकरण को हल करने पर हमें समीकरण अंतिम रूप में इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है इस समीकरण को ध्यान से देखिए यह प्रतीत हो रहा है यहाँ पर यह हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ अभिकारक की सांद्रता नहीं आ रही है अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है अभिकारक की प्रारंभ में कुछ भी सांद्रता हो अर्धायु काल उस पर निर्भर नहीं करेगा परीक्षाओं में मुख्यतः इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम बड़ी ही आसानी से इस प्रकार इस कथन को सिद्ध कर सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है अर्थात उन पर निर्भर नहीं करता है आइए अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम हमारे इन कथनों को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं ये हमारे सामने एक गणितीय समस्या है न्यूमेरिकल है क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई है क्या कह रहा है इसमें 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 पॉइंट गुणा दस की घात माइनस दो मोल प्रति लीटर थी जो 60 मिनट के बाद कितनी हो गई है 0.2 10 टू द पावर -2 मोल प्रति लीटर हो गई है 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए प्रश्न में हमें पहले ही बता दिया गया है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है प्रथम कोटि की है अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण लिखते हैं k इक्वल्स टू क्या होता है 2. 3.03 डिवाइडेड बाय टी इनटू लॉग बाय R हमें यहाँ टी का मान प्राप्त हो गया है टी का मान कितना दिया है 60 मिनट के उपरांत यानी टी किसके बराबर है 60 मिनट के R0 प्रारंभिक सांद्रता है कितनी है 1.24 पॉइंट टू फोर इंटू टन टू दावर माइनस क्या है 60 मिनट के बाद सांद्रता उसका मान कितना है 0.2 दो गुणा की घात माइनस मोल मूल प्रति लीटर है इन सभी मानों को अभिक्रिया के वेग समीकरण में स्थापित करते हैं तो हम पाते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान हमें पॉइंट जीरो तीन जीरो चार प्रति मिनट प्राप्त होता है यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया गैस अवस्था में संपन्न हो रही है तो उसके लिए वेग स्थिरांक या वेग समीकरण की गणना हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं आइए उसे देखते हैं माना कि निम्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया गैस अवस्था में संपन्न हो रही है क्या हो रहा है हमारे पास में अभिकारक है ए, गैस गैस अवस्था अवस्था में में जो उत्पाद उत्पाद परिवर्तित हो गया, वो उत्पाद भी अवस्था में उपस्थित है बी और सी कह रहे हैं मान लिया कि प्रारंभ में दाब हमारे पास है पी आई पी का मतलब है दाब आई का मतलब है इनिशियल प्रारंभिक दाब समय टी पर माना कि हमारा दाब कितना है पी टी पी दाब है टी है समय सो पी टी किसको बता रहा है समय टी पर दाब बता रहा है माना कि ए बी तथा सी के आंशिक दाब क्रमशः कितने हैं हमारे पास में पी ए पी बी तथा पी सी है अतः इस अभिक्रिया का संपूर्ण दाब कितना होगा हमारे पास में पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होता है अभिक्रिया हमारे पास इस प्रकार से संपन्न हो रही है ए बी तथा सी में परिवर्तित हो रहा है बी तथा सी जब समय जीरो है तो यह नहीं बने हैं इस कारण इनका दाब हम जीरो जीरो लिखते हैं जब टी समय पर बी तथा सी बन जाते हैं उस समय ए का दाब कम हो जाता है वह कितना कम होगा माइनस एक्स माना कि एक्स दाब कम हो गया है तो ए का दाब अभी हमारे पास कितना है समय टी पर पी आई माइनस एक्स बी वी का दाब कितना होगा एक्स एटीएम तथा एक्स एटीएम। टी पी आई क्या है जब समय जीरो है उस समय इनिशियल प्रेशर जब समय जीरो है उस समय का प्रारंभिक दाब पी आई है कुल दाब पी टी अब निकालें हम लोग पी टी किसके बराबर आएगा पी आई आए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कुल दाब प्राप्त होता है पी आई प्लस एक्स अगर हम एक्स की गणना करें तो हमें एक्स क्या प्राप्त होगा एक्स बराबर किसके आएगा पी टी माइनस पी आई एक्स किसके बराबर हो गया पी टी माइनस पी आई अर्थात कुल दाब माइनस प्रारंभिक दाब अब हम ए का दाब निकालते हैं ए का दाब कितना है पी ए किसके बराबर होगा पी आई माइनस एक्स के अभी हमने एक्स का मान निकाला एक्स के मान को यहाँ रखेंगे तो हमें पी ए का दाब प्राप्त हो जाएगा कितना आ गया टू पी आई माइनस पी टी हम जानते हैं कि प्रथम कोटिया अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है के किसके बराबर होता है दो पॉइंट तीन जीरो तीन डिवाइडेड बाई टी लॉग आर जीरो बाई आर आर जीरो क्या है प्रारंभिक और आर क्या है समय टी पर इसी प्रकार हम आंशिक दाबों को इस समीकरण में स्थापित कर देते हैं तो हमें गैस अवस्था के लिए ये समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी वहाँ पर क्या होगा के किसके बराबर आ जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग पी आई डिवाइडेड बाई टू पी आई माइनस पी टी पी आई क्या है इनिशियल प्रेशर यानी वो प्रेशर टू पी आई माइनस पी टी क्या है समय टी पर प्रेशर जब टाइम टी है तब कितना हमारे पास में दाब है वो है। वो आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे और अधिक समझने का प्रयास करते हैं स्थिर आयतन पर एन टू ओ फाइव के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए आंकड़ा क्या है जब समय जीरो है तब दाब है 0.5 atm जब समय हमारे पास 100 सेकंड है उस समय दाब कितना हो गया 0.512 atm कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए अब अभिक्रिया क्या हो रही है हमारे पास में 2n2o5 किस में परिवर्तित हो रहा है 2n2o4 o2 में परिवर्तित हो रहा है अब यहां दाब में कितना अंतर आएगा ये हमें देखना है देखिए एन टू ओ फाइव के दो मोल संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अतः एन टू ओ फाइव का जो दाब है वो दो एक्स कम हो जाएगा जबकि एन टू ओ फोर का समय टी पर दाब कितना होगा दो एक्स क्यों होगा क्योंकि इसके दो मोल बन रहे हैं ऑक्सीजन के कितने मोल बन रहे हैं ऑक्सीजन का एक मोल बन रहा है अतः समय टी पर ऑक्सीजन का दाब एक्स ए टी एम होगा जब हम सभी मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखते हैं तो हम पाते हैं कि जब समय टी है उस समय दाब हमें दिया गया है 0.5 फाइव ए टी तथा O2 नहीं बने होते हैं इसलिए उनका दाब 0 ए तथा 0 ए रहता है समय टी पर एन का दाब क्या होगा माइनस टू से कम हो जाएगा तथा एन का दाब 2x होगा तथा O2 का दाब x होगा अब हम हमारी अन्य गणनाएँ करते हैं समय टी पर दाब की गणना करते हैं अर्थात कुल दाब जब समय टी पर कुल दाब निकालते हैं तो हम पाते हैं कि उसका मान 0.5 फाइव प्लस एक्स आता है इससे यदि एक्स की गणना की जाए तो हमारे पास आंसर आएगा पी टी माइनस पॉइंट अब एक्स का यह मान हम एन टू ओ फाइव का समय टी पर दाब निकालने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो हम पाते हैं कि समय टी यानी 100 सेकेंड पर हमारे पास में एन टू ओ फाइव का दाब क्या हो गया है हमारे पास में इतना दाब हमें प्राप्त हो गया है पॉइंट फोर सेवन सिक्स ए टी एम दाब एन टू ओ फाइव का 100 सेकेंड पर है प्रथम कोटि गैसी अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण में जब हम इन सभी मानों को रखते हैं तथा उसे सरल करते हैं तो हमें वेग का मान प्राप्त हो जाता है जिसका मान होता है 4 गुना 10 की घात चलिए एक उदाहरण और देखते हैं प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का मान दिया गया है इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना हमें करनी है हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध काल का समीकरण क्या होता है टी हाफ किसके बराबर होगा 0.693 डिवाइडेड बाय के ये सभी मान इसमें रखेंगे तो अभिक्रिया का अर्ध काल निकल करके आ जाता है इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं कैसा है ये कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9 प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयु का दस गुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। 99.9 प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण होने पर, यानी कि R का मान हमारे पास कितना हो गया? R0 0.999 R0, अर्थात हमारे पास R का मान कितना प्राप्त हो गया? 0.001, जिसे हम 10 की घात -3 भी लिख सकते हैं। यदि आर जीरो का मान एक माने तो आर का मान हमारे पास कितना आएगा दस की घात माइनस तीन आएगा दस की घात माइनस तीन को जब हम यहाँ नीचे में डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर ले जाने पर वह धनात्मक बन जाएगी दस की घात तीन दस की घात तीन का लोग हमें कितना प्राप्त होता है तीन प्राप्त होता है जिसे हम यहाँ लिख देंगे लोग दस का मान हम जानते हैं कितना होता है एक अतः इसके लिए जब हम समय की गणना करते हैं तो हमारे पास समय आता है t बराबर 6.909 डिवाइडेड बाय k। अर्ध आयु काल की समीकरण हम जानते हैं क्या होता है t हाफ किसके बराबर होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाय k। अब हमारे पास दो समीकरण है एक समीकरण ये है हमारे पास दूसरा समीकरण ये है समीकरण एक को जब दो से भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर प्राप्त होता है दस यह उत्तर यह दर्शा रहा है यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया 99.9 प्रतिशत पूरी हो रही है तो उसे उस अभिक्रिया के अर्धायु काल का दस गुना समय चाहिए शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अवकलित वेग समीकरण समाकलित वेग समीकरण उनके ग्राफ तथा अर्धायु तथा के की इकाइयों में एक तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार से भी एक सारणी बना करके किया जा सकता है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, अर्थात स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस यह वे अभिक्रियाएं होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि इनकी कोटि एक से अधिक है परंतु वास्तव में वे प्रथम कोटि की ही होती हैं उन्हें छदम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं जैसे यहाँ पर इक्षुशर्करा का प्रतिलोमन दिया गया है यह अभिक्रिया हमें दिखाई दे रही है कि शायद ये द्वितीय कोटि की होनी चाहिए पर वास्तव में यह प्रथम कोटि की ही होती है इसी प्रकार एसिड की उपस्थिति में एस्टर का जल अवघन भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है क्योंकि जो जल उपस्थित है वो आधिक्य में उपस्थित होता है आधिक्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है जब कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो हम मानते हैं कि उसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन नगण्य है इसलिए ये अभिक्रियाएँ प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ हैं पर दिखाई प्रथम कोटि जैसी नहीं देती हैं इसलिए इन्हें छदम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ कहते हैं इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है क्या होगा इसके लिए वेग के एस्टर इंटू एस्टू H2 हमारा कैसा होता है वह आधिक्य में उपस्थित होता है अर्थात उसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है हम उसकी सांद्रता को स्थिर मान सकते हैं के हमारा स्थिरांक होता है H2 टू की सांद्रता भी कैसी हो गई है स्थिर हो गई है जब किसी स्थिरांक को स्थिरांक से गुणा किया जाता है तो हमें नया स्थिरांक प्राप्त होता है मान लिया कि वह नया स्थिरांक क्या है के डैश है तो इस समीकरण को हम पुनः संतुलित करके कैसा लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू के डैश एस्टर के डैश का मतलब क्या है यहाँ पर वेग स्ट्रंग गुणा एच की सांद्रता आज हमने चर्चा की कि शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अवकलित वेग समीकरण समाकलित वेग समीकरण तथा उनके अर्ध आयु काल की गणना किस प्रकार की जाती है हमने देखा कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए अर्ध आयु काल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है जबकि प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए यह अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है अर्थात उनसे स्वतंत्र रहता है तथा हमने देखा कि छदम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ क्या होती हैं यदि किसी अभिकारक की मात्रा इतनी अधिक उपस्थित हो कि उसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन नगण्य हो जाए तो वह अभिक्रियाएँ जो हमें लगती नहीं है कि प्रथम कोटि की होनी चाहिए परंतु अभिकारकों की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन न होने के कारण वह प्रथम कोटि की होती है। उन्हें हैं उन्हें छदम प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ कहते हैं इस पाठ के अगले बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार